आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इन सी। तो स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेसिकली, अभी इससे पहले हमने एरे पढ़े थे। तो एरे में क्या है, एक ही प्रकार के एलिमेंट्स अपन स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक ही प्रकार से, मतलब ये उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। सपोज int है, int है तो इंटीजर टाइप के होने चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट प्रकार के होने चाहिए, एक ही प्रकार के होने चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते। जब तो एक्चुअल में एरे क्या होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स। और जबकि स्ट्रक्चर इसका उल्टा होता है। स्ट्रक्चर क्या है, ये वो वेरिएबल होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स, विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप एलिमेंट्स एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार से एक साथ int, float, ये जो डेटा टाइप, जो ये एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ स्टोर कर सकते हैं। अतः एक स्ट्रक्चर में यूजर के अनुसार int, float, डबल कैरेक्टर और एरे प्रकार अलग अलग डेटाज का उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलिमेंट्स को मेंबर कहते हैं। माना कि हमें एक कक्षा के 40 स्टूडेंट्स के लिए उनके नाम, रोल नंबर, एड्रेस, मार्क्स ऑब्टेंड स्टोर करने हो, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि एरे ही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें नाम, रोल नंबर, एड्रेस और मार्क्स ऑब्टेंड, मतलब प्राप्तांक के लिए अलग अलग एरे लेकर उनमें डेटाज को भंडारित करते हैं। परंतु स्ट्रक्चर का उपयोग करके हम इसे आसान बना सकते हैं। इसमें एक ही स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाएंगे जिसमें जिसके जो मेंबर होंगे, नेम होंगे, रोल नंबर, एड्रेस और मार्क्स ऑब्टेंड होंगे। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर का एरे बनाकर हम 40 स्टूडेंट की सूचना को स्टोर कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का तरीका ये है, ये आपके पहले स्ट्रक्ट नामक एक कीवर्ड होता है जिससे करते हैं इसमें। फिर यहाँ पे आगे नेम ऑफ स्ट्रक्चर, ये नेम ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद ये ब्रेस, फिर डेटा टाइप मेंबर वन, फिर डेटा टाइप मेंबर टू, डैश डैश सपोज डेटा टाइप में एन मेंबर है तो एम एन, और फिर ये कर्ली ब्रेस और ये, तो यहाँ पर M1, M2, N क्या, ये क्या है, स्ट्रक्चर के मेंबर है। तो जैसे अपन स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर बनाया, तो उसका स्ट्रक्ट और नाम स्ट्रक्चर कर दिया, सपोज स्टूडेंट, फिर ब्रेस, फिर CHAR नेम, ये एरे है नेम 20 कैरेक्टर्स का, फिर INT रोल नंबर, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और रोल नंबर, ये क्या मेंबर दूसरा है, तीसरा मेंबर है, मार्क्स ऑब्टेंड, ये भी इंटीजर प्रकार का है, और लास्ट में ये कर्ली ब्रेस क्लोज, और फिर ये, तो ये स्टूडेंट नाम का अपन ने स्ट्रक्चर बना दिया। अब यदि सपोज इसमें किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और लिखनी हो, सपोज वो भी एक डेट ऑफ बर्थ भी एक मेंबर होता है, तो उसके लिए पहले एक डेट स्ट्रक्चर अपन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्ट, उसके लिए स्ट्रक्ट तो कीवर्ड हो गया, फिर डेट जो स्ट्रक्चर के नाम हो गया, फिर उसके बाद ये ब्रेस, INT इसमें डे, मंथ और ईयर, ये इसके तीन मेंबर होते हैं, ये तीनों INT प्रकार के होंगे, और ये तो डेट नाम का स्ट्रक्चर अपन ने लिख दिया, ये अलग से बना लिया। फिर इसमें अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखेंगे, जिसमें कैरेक्टर नेम, ये सपोज 20 एलिमेंट्स का एक एरे है, कैरेक्टर टाइप का है, INT इंटीजर प्रकार के रोल नंबर है, कैरेक्टर एड्रेस 50 कैरेक्टर्स का एक एड्रेस है सपोज, ये मेंबर है, फिर INT मार्क्स ऑब्टेंड, फिर स्ट्रक्ट डेट और DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि तो ये क्या है, डेट ये मेंबर है, इसका अपना आप एक दूसरा स्ट्रक्चर है। तो ये इस टाइप से अपन स्ट्रक्चर वो लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर अपन ने ये डिफाइन कर दिया। अब आगे अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, तो हो गया, आगे पढ़ेंगे यूनियन। तो यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यूनियन भी स्ट्रक्चर की भांति विभिन्न डेटा टाइप्स का समूह होता है। इसके जो मेंबर मेमोरी में एक ही जगह भंडारित होते हैं, एक ही जगह स्टोर होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में प्रत्येक मेंबर का
मेमोरी में अलग अलग स्थान होता है, ये फ़र्क है स्ट्रक्चर और यूनियन में। यूनियन में तो क्या है कि सब एक ही जगह स्टोर होते हैं, जबकि सारे जो मेंबर्स होते हैं वो एक ही जगह, वो एक ही मेमोरी स्थान पे स्टोर होते हैं, उनका एक ही जगह होती है, जबकि स्ट्रक्चर में अलग अलग मेंबर्स का, सेपरेट मेंबर्स का अलग अलग वो होता है, जगह होता है, अलग अलग मेमोरी स्पेस होता है। इसी कारण यूनियन में एक बार में एक ही मेंबर को स्टोर कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के सदस्यों के लिए अलग अलग मेमोरी होने के कारण इसमें सभी स्ट्रक्चर्स वो मेंबर्स का मान एक साथ स्टोर हो जाता है। जब स्ट्रक्चर घोषित होता है तो कंपाइलर द्वारा यूनियन के नहीं सॉरी जब यूनियन घोषित होता है तो कंपाइलर के द्वारा यूनियन के सबसे बड़े मेंबर के डेटा के बराबर मेमोरी में स्थान आवंटित कर देता है कंपाइलर। अतः स्ट्रक्चर का उपयोग करने पर मेमोरी की, अतः यूनियन का उपयोग करने पर मेमोरी की बचत होती है। तो ये डिफरेंस हो गया स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो दिस इज अबाउट यूनियन। अब यूनियन को कैसे सीमेंट डिक्लेयर करते हैं, तो उसका क्या तरीका है, तो हाउ टू डिक्लेयर यूनियन, तो उसका भी जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही यूनियन एक कीवर्ड होता है यूनियन, फिर उसमें यूनियन नेम, फिर वही सेम उसकी इस तरह डेटा टाइप मेंबर वन, डेटा टाइप मेंबर टू, डैश डैश डेटा टाइप मेंबर एन, फिर यूँ करके ये वेरिएबल, तो ये यूनियन को इस टाइप से डिक्लेयर करते हैं। यूनियन कीवर्ड हो गया, फिर यूनियन तो कीवर्ड के द्वारा, फिर यूनियन नेम यूनियन का जो, तो ये पर डेटा टाइप मेंबर वन, डेटा टाइप मेंबर टू, डैश 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 डेटा टाइप मेंबर एन, तो ये वेरिएबल, तो इस टाइप से अपन यूनियन को वो करते हैं डिक्लेयर, सी में कैसे यूनियन को डिक्लेयर करते हैं। इसके उदाहरण के रूप में अपन ले सकते हैं, जैसे अपन ने कोई यूनियन का अपन ने एग्जांपल ले यूनियन का, तो अपन ऐसे ले सकते हैं, सपोज यूनियन का उदाहरण लेना चाहें अपन, यूनियन तो सपोज यूनियन, और यहाँ पर सपोज कोई आईडी है, मशीन का पार्ट्स है, कैरेक्टर मॉडल नेम पेन, फिर आईएमटी मॉडल नंबर, ये फिर डिस्क्रिप्शन, ये वेरिएबल हो गया। तो ये यूनियन का अपन ने सपोज ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल ऑफ यूनियन, यूनियन आईडी यूनियन का नाम है, तो कैरेक्टर मॉडल नेम एन, फिर इंटीजर मॉडल नंबर, और ये डिस्क्रिप्शन वेरिएबल। तो ये एग्जांपल अभी कोई मशीन कोई पार्ट्स है सपोज, उसका मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नेम क्या है, मॉडल नंबर क्या है, तो वो उसको अपन देख लिया एक उदाहरण के द्वारा ये ऐसे बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड यूनियन। थैंक्स। माई सेल्फ रामकेश मीणा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर।